नमस्कार, मैं शुभम बिष्ट और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स दरबार। टोक्यो ओलंपिक का आज 11वां दिन है, जहां आज का दिन भारतीय एथलीट्स के लिए शानदार रहा है और कल का दिन भी भारत के लिए शानदार रहा था, क्योंकि कल भारत ने अपने खाते में एक और मेडल जोड़ लिया है। ये कारनामा पीवी सिंधु ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल मैच में हार का सामना करने के बाद कल के मैच में फिर से बेहतरीन शुरुआत की और चाइना की ही बिंग जुआओ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। इसी के साथ ही पीवी सिंधु ने ओलंपिक में एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। सिंधु ओलंपिक में दो मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम ने क्या कमाल कर दिखाया है। सबसे पहले बात करते हैं पुरुष हॉकी टीम की। आपको बता दें कि पुरुष हॉकी टीम इस बार के ओलंपिक में शानदार लय में दिख रही है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए हॉकी इकलौता ऐसा खेल रहा है जहां से अभी तक निराशा हाथ नहीं लगी। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम अब तक 6 मुकाबले खेल चुकी है, जिसमें 5 मुकाबलों में टीम को जीत हासिल हुई है। टीम का आखिरी मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन के साथ हुआ था, जिसमें टीम को 3-1 से जीत हासिल हुई। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। बता दें कि टीम 49 साल बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 1972 के म्यूनिक ओलंपिक में सेमीफाइनल फॉर्मेट में हॉकी खेली गई थी। इसके बाद 1976 में टीम इंडिया नॉकआउट में नहीं पहुंची थी, लेकिन 1980 में भारत ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, लेकिन उस ओलंपिक में सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था। इस जीत के साथ टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत और बेल्जियम की टीम पहुंची है और सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 3 अगस्त को बेल्जियम से होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार की ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया था। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। अर्जेंटीना ने क्वार्टर फाइनल में जर्मनी को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। आपको बता दें कि 1980 के ओलंपिक में विमेन्स हॉकी टीम ने पहली बार हिस्सा लिया था। हालांकि उस समय सेमीफाइनल फॉर्मेट नहीं था, ग्रुप स्टेज के बाद सबसे ज्यादा पॉइंट वाली 2 टीमें सीधा फाइनल में खेली थी। भारतीय टीम तब 6 टीमों के पूल में 4थे स्थान पर रही थी। इसके बाद 2016 रियो ओलंपिक में टीम इंडिया 12वें स्थान पर रही थी। भारतीय महिला हॉकी टीम अपने ग्रुप में 2 जीत और 3 हार के साथ 4थे स्थान पर रही थी। टोक्यो में भारतीय महिला टीम की शुरुआत नीदरलैंड, जर्मनी और डिफेंडिंग चैंपियन ब्रिटेन से लगातार 3 मैचों में हार से शुरू हुई। हालांकि टीम ने शानदार वापसी करते हुए अपने से ऊपर रैंकिंग वाली आयरलैंड टीम को 1-0 से हरा दिया। इसके बाद साउथ अफ्रीका को 4-3 से शिकस्त दी। भारत की क्वार्टर फाइनल में पोजीशन पूल ए के आखिरी मैच में आयरलैंड को 2-0 से हराने के बाद तय हुई। स्पोर्ट्स दरबार में आज के लिए बस इतना ही। ओलंपिक से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।